हेलो एवरीवन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक 6 to 10 एसएसटी के लिए, जिसमें अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की बुक, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। और उसमें हमने पहला चैप्टर पहले वीडियो में पढ़ा, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। सबसे पहले इसमें है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक में है, निम्न चित्रों को देखें, आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। वे गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका ये है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों में के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है वो चित्र। फिर हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और वायु जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास का प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारे आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध की एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तन किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उपलब्ध नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने की किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने और कपड़ा बुनने, गन्ने को कच्चे माल के रूप में तैयार के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से तेल बनाते हैं और ईंटों से घर भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि में एक तीसरी कटौती भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्र से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। यह गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पाद प्रक्रिया से मैं संयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक या खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहित करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पाद और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार रियासतों बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए
कृतिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के कुछ ऐसे अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी उपलब्ध हो गई हैं। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इस तालिका में दिए गए उदाहरण देखते हैं जिसमें है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण है। जो सबसे पहला उदाहरण है, कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। फिर यह क्या प्रदर्शित करता है, यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। फिर है दूसरा उदाहरण की कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है तो कपास की खेती का क्या होगा, भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते तो ये दिवालिया भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो जो द्वितीयक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र है वो भी द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगर द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का ठीक से उपयोग ना करे और वो अपने स्रोत दूसरे चीजों से खोजने लगे तो हो सकता है प्राथमिक क्षेत्र को भी अपने आप में बदलाव करके किसी और चीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। जैसे कि कपास की खेती को छोड़कर उनको किसी और के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि कपास की पूर्ति द्वितीयक क्षेत्र के लिए कहीं और से की जा रही है। फिर है किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों को पंप सेट की कीमत बढ़ उर्वरक और पंप सेट की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनकी आय कम होगी तो उनके प्राथमिक क्षेत्र जो कि किसानों का क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इससे उनकी आय घटेगी तो उनकी उत्पादकता और प्राथमिक क्षेत्र कमजोर होगा। उससे इसमें द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र तो मजबूत हो रहा है, मजबूत करने के चक्कर में आप प्राथमिक क्षेत्र कमजोर कर देंगे। फिर आगे है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र को में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो अगर तृतीयक क्षेत्र भी हड़ताल करता है तो उसका प्रभाव भी प्रथम क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र को पड़ता है। ये ट्रांसपोर्ट की सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आती है और उन्होंने अपना काम रोका तो पहले का काम भी रुक गया, पहले प्राथमिक क्षेत्र का। इसके बाद में ये कुछ यहाँ पे विचार करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप पढ़कर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इन सारे उदाहरणों का मतलब यही है कि अगर एक क्षेत्र इनमें से ठीक से काम ना करे तो उसका प्रभाव दूसरे दोनों क्षेत्रों पर भी पड़ता है। उसके बाद है तीन क्षेत्रों की तुलना, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की विविध उत्पाद कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों की काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पाद और रोजगार की दृष्टि से एक अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पाद को कैसे जानते हैं,
आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल वृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। यह समस्या इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किग्रा गेहूं 8 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा और 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें कि यदि यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है, उत्पादित और बेची गई वस्तुएं प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किग्रा की दर से गेहूं बेचता है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी में को आटा 10 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उत्पादन करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपए में 15 रुपए प्रति पैकेट बिस्किट बेचती है। अतः बिस्किट की अंतिम उत्पाद है अर्थात वह वस्तुओं का उपभोक्ता तक पहुंचती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं में विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपए शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटे का मूल्य भी लगभग मूल्य भी अलग अलग गणना उचित नहीं है क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के मूल्य उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। फिर है क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषक क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पकारियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त उनके अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े थे। फिर भी इन अवस्थाओं में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र से आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र से रोजगार करते थे। लंबे समय 100 वर्ष से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन के
से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती के काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करते हैं लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से वित्तीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हो गया। फिर है विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की और पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पाद की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसे अगले खंड में अभी देखते हैं। इससे पहले ये दिया हुआ है, आओ हम इन पर विचार करें। इस पे आप चाहे तो पढ़ के पढ़ सकते हैं और उन पर विचार भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें है भारत के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसमें दिया गया है आलेख एक, जिसमें तीनों क्षेत्रों को द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाया जाता है। यह दो वर्षों 1973-74 और 2013-14 के उत्पादन को दिखाता है। हमने इन दो वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन को कितना संवर्धित हुई है। यह है आलेख नंबर एक, जिसमें है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सघऊ यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। ये है उसका पूरा, जिसमें ये इस कलर से दिखाया गया है। प्राथमिक क्षेत्र लाल से दिखाया गया है, द्वितीयक क्षेत्र गहरे से दिखाया गया है, तृतीयक क्षेत्र सबसे पहले। उस 40 साल पहले की बात करें तो ये लगभग इतने इतने और इतने थे। अब देखें तो ये हो गई है उनमें वृद्धि। इसमें देखें तुलनात्मक देखें तो सबसे ज्यादा प्राथमिक था और फिर था तृतीयक और फिर था द्वितीयक। तो अभी भी देखें तो सबसे ज्यादा हो गया है, इसमें हो गया है सबसे ज्यादा, ये आ गया। इसमें देखें तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। इसमें देखें तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। जो फर्स्ट नंबर पर था वो सबसे पीछे चला गया है और ये इन पे दी गई है रुपए करोड़ों में उनकी जो भी GDP है उसकी वजह से। फिर आओ इन पर विचार करें। तो आप इस आरेख के ऊपर दिए गए निम्नलिखित सवालों पर विचार कर सकते हैं। फिर है सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस पे विचार करें। ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। फिर है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। तो वर्ष 73-74 और 13-14 के बीच 40 वर्षों के यद्यपि सभी सेवकों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 13-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा। भारत के तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, किसी भी देश को अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवाएं, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विशाल विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। फिर है द्वितीयक कृषि एवं उद्योग के लिए, द्वितीय है कृषि एवं उद्योग के लिए विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है होगा, ऐसे सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय है, जैसे जैसे आप आय बढ़ती है
कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े शहरों में, बड़े नगरों में इन द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। फिर चौथा है कि विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय चार में हम इन नवीन सेवाओं और उनके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की अभी सभी सेवाओं के समान रूप से संवर्धित नहीं हो रही। भारत में सेवा क्षेत्र कई इस तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अंततः कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन से जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इसके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें है अधिकांश लोग कहां नियोजित हैं। इसके लिए आरेख दिया हुआ है दो, जिसमें है सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्रों में बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो ये है वो आरेख जिसमें है, यह है 73-74 और यह है 13-14। इसमें वो दिया हुआ था यहाँ उसके आंकड़ों के हिसाब से रुपए के अंदर, ये दिया हुआ है प्रतिशत के अंदर। तो प्रतिशत 100% तो हमेशा ही होता है। तो 100% में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था, द्वितीय का कितना और तृतीय का कितना, तो वो है प्राथमिक का लगभग 40%, इसका है लगभग 50, मतलब लगभग 11%। इसको मान सकते हैं ये 40%, इसको मान सकते हैं 11%, इसको मान सकते हैं 49%, और इसको हम कहें तो ये हो सकता है लगभग 12%, इसको कहें तो ये होगा 20%, और बाकी का देखें तो वो होगा 68%। फिर आगे बढ़े तो उसमें है भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार के में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। आरेख तीन वर्ष 2017-18 और वर्ष 2003 के तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब देखते हैं कि उस प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र में कितने लोग कार्य करते हैं। वो तो था सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी, और ये है कितने लोग इसमें लगे हुए हैं उस चीज का आरेख। इसमें है ये 71, 11 और 18, मतलब इसमें भी सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में है, फिर है तृतीयक क्षेत्र में, और फिर है द्वितीयक क्षेत्र में। और इसमें देखें तो भी प्राथमिक क्षेत्र में लोगों की संख्या घटी है प्रतिशत के हिसाब से, पर सब इनमें आपस में तुलना की जाए तो ये भी अभी भी ये पहले नंबर पे है, ये है दूसरे नंबर पे और ये है तीसरे नंबर पे। प्राथमिक क्षेत्र के से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरित क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के प्राप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पाद में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है।
तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती हैं। इसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। ये अल्प रोजगार बेरोजगार की स्थिति है। यहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छुपी हुई कहते हैं, क्योंकि इन पर लोगों की बेरोजगारी, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं से अलग है, यानी कि वो होती है खुली बेरोजगारी। इसलिए कि इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूर के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पाद प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण से 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई से वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले से ज्यादा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पाद पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार उनके करने से लोगों की आय में परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प रोजगार दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों के सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषम काम करते हैं। इनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेले खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बेहतर अवसर नहीं है। ये है कुछ तालिका जिसपे आप विचार कर सकते हैं। इन्हें पढ़िए, ये आपके लिए जरूर लाभदायक होगी। फिर है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीके तो देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड पर का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं पर निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय करती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उप जाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को
अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इनमें इसके लिए उन्हें अपना रसद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। एक तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें एक पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य को केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की जरूरत क्या है, केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा, उच्च ब्याज पर वापस करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर इसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख की भी प्रदान करने की जरूरत है। अध्याय 4 में मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन हम करेंगे। तो अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 2। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा रहे हैं जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। उनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसी उदाहरण है। शीत भंडार गृह के खुलने ऐसे किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सके। वन क्षेत्रों के निकट गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और व्यक्तिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किए जा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के आयु वर्ग 5 से लेकर 29 वर्ष के लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते। वे या तो घर पर रहते हैं या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना हो है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के
महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय एक में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, मनरेगा 2005 कहते हैं, जिसे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम है और उन जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों में को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी। आओ इन पर चर्चा करें, विचार करें, तो आप निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। फिर है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। इनमें उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। यह है कांता की कहानी। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन में के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन वेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी प्रारंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था और जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। फिर है कमल की कहानी। तो कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीकी किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे वापस काम से आता है, तो उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं दिया जाता है। सवेतन अवकाश का मतलब है वेतन भी दिया जाएगा और छुट्टी भी मिलेगी। इसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकानदार में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। फिर है क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों में अंतर देख सकते हैं? तो आप इन दोनों अभिलेखों को पढ़कर उनमें अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम तथा अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्य विधि है।
कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, इनमें एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं, और ये लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी, अवकाश काम में काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सकीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसे सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं और निर्मित होती हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उसका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित होते हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। ये है कुछ अतिरिक्त जानकारी जिनको आप बिंदुओं पर पढ़ के आप इन पर विचार कर सकते हैं। ये आपके ज्ञान वर्धन में जरूर लाभकारी होगी। हम पढ़ते हैं मुख्य चैप्टर मतलब मेन चैप्टर की तरफ, जिसमें अगला पॉइंट आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। इस बात पर चर्चा करें तो वो है कि संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आम तौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाले विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों में वो एक तरह का संगठित क्षेत्र ही है, पर वहां पे भी लोगों को सुविधाएं किस तरीके की दी जाती है, असंगठित क्षेत्र की जैसी सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दी जाती है। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही उनमें कोई लाभ है। ये वेला सन 1990 में यह भी देखा गया कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, अतः असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। तो ये है कुछ चित्र जिसको देख के आप उस समय के और इन लोगों की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ये है जब कारखाने बंद हो जाते हैं तब अनेक नियमित श्रमिक सब्जियां बेचते और ठेला खींचते हुए अन्य काम करने देखे जा सकते हैं। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि क्षेत्र को श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बड़े और सुनहार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त
सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। कृषि से शहरी क्षेत्रों में संगठन शहरी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों और उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन के कार्यकर्ता, आश्रमिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेताओं का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले से रचित है। लघु उद्योगों में भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जातियां, जनजाति, पिछड़ी जातियों से के जो असंगठित क्षेत्र में का रोजगार करते हैं, ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो ये चित्र आप दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो उसमें है कुछ स्मरण कीजिए पॉइंट से दिया गया है कि हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं? इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायकता करती है। आर्थिक गतिविधियों को तीन क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पाद और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए। इसी प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों और संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग उन दो क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? ये समस्याएं और समाधान क्या हैं जिनकी ओर संकेत किया गया है? क्या आप जानकारी और निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं? यह है तालिका जिसमें आर्थिक विकास के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और संगठित और असंगठित क्षेत्रों में दो तरीके से विभाजन किया जा सकता है। इन इन चीजों के हिसाब से इस्तेमाल में की गई कटौती और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष और इंगित समस्याओं पर समाधान, और ये अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर जिसमें है अगला पॉइंट, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्र में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार को व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में संपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र में उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन सकल एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या है? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? याद करें, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ चीजें बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं और निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्रित
करना भी आसान नहीं है। फिर भी यदि ये चीजें उपलब्ध कराते हैं तो उनकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे, पथनों, बिजली आदि निर्माण और बांधों आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इस सुविधा को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन उत्पादों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती, जैसे उत्पाद मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं और यहां सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन को वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों के उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे उनके गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भार वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले के अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत में लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। इनमें शिशु मृत्यु दर के बारे में हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। उड़ीसा में 41 तथा मध्य प्रदेश में 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व में कुछ निर्धनतम भागों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों में, जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन का पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करें। इसके बाद हम इस पूरे अध्याय का सारांश देखें एक पैराग्राफ में, तो वो इस प्रकार है कि इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सामर्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया है। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में से किससे प्रभावित है। भारत में विगत 30 वर्षों से आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि GDP में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। इसमें हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का विचार करते हैं। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच अंतर का अध्ययन किया और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।